नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं आपका आचार्य मयंक शर्मा। तो दर्शकों, आजकल हम अपने कार्यक्रम के तहत आपको बता रहे हैं कि किस माह में जन्मे लोगों का कैसा होता है भाग्य, और कब उनके सितारे चमकते हैं, कैसा उनका स्वभाव होता है, और कौन से वर्ष उनके लिए बड़े भाग्यशाली माने गए हैं। तो अभी तक हमने आपको सितंबर माह के लोगों के बारे में जानकारी दी थी। आज हम आपको बताएंगे कि जिन लोगों का जन्म अक्टूबर में होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। तो दर्शकों, अक्टूबर में जन्मे लोग बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बहुत ही शालीन और बहुत ही सभ्य लोगों में इनकी गिनती होती है। ये लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं, सबके सुख दुख के साथी होते हैं, यानी कि अगर रिश्ता निभाते हैं तो उसको तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसका अंतिम समय तक साथ देते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे दोस्त भी माने गए हैं। अगर बात करें इनके व्यक्तित्व की, तो दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, अच्छे आकर्षक प्रभावशाली इनकी व्यक्तित्व होता है, बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं ऐसे लोग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब लोग इनको चाहते हैं, इनको प्यार करते हैं, सबके इन चहेते भी होते हैं, और मुसीबतों में कभी ये साथ नहीं छोड़ते हैं, ना ही कभी डरते हैं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करते हैं, और अपने मित्रों को भी मुसीबतों से बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि बहुत अच्छे सहयोगी भी हैं, बहुत अच्छे कलीग भी हैं, बहुत अच्छे मित्र भी साबित होते हैं, और बहुत अच्छे जीवन साथी भी ये लोग साबित होते हैं जो अक्टूबर माह में पैदा होते हैं। इन्हें बहुत ही नाप तोल कर बोलना पसंद आता है, बहुत ही बैलेंस से रह के लाइफ में चलते हैं, लेकिन कभी कभी इनको क्रोध भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, और उसमें ही अपना आपा खो बैठते हैं, जिससे इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इनको इस चीज़ से बचना चाहिए कि अत्यधिक क्रोध करना या क्रोध करना से कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता है, इससे नुकसान ही होता है। अगर ये इस चीज़ पर अपने कंट्रोल करेंगे तो इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो दर्शकों, अब बताते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। तो जो लोग अक्टूबर माह में पैदा होते हैं, इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही मिलनसार हैं, क्योंकि ये इसलिए जीवनसाथी के साथ संबंधों में इनके मधुरता रहती है, उनकी भावनाओं को समझते हैं। अगर जीवनसाथी को क्रोध आता है तो ये उनको समझा लेते हैं, शांत हो जाते हैं, उनको बाद में समझा लेते हैं। अगर इनको क्रोध आता है तो जीवनसाथी इनके साथ एडजस्टमेंट कर लेता है, उनको समझाता है। तो इनको जीवनसाथी भी अपने ही जैसे मिलते हैं, बहुत अच्छे जीवनसाथी इनको मिलते हैं। इनका वैवाहिक जीवन कुल मिला के अच्छा रहता है, संतान सुख भी इनका अच्छा रहता है, संतान से इनको बहुत लाभ होता है, संतान सुख की बहुत अच्छी प्राप्ति इनको देखी गई है। कुल मिला के हम कहेंगे इनका जो गृहस्थ जीवन है बहुत ही सुखी रहता है, और पारिवारिक जीवन। अब बात करते हैं इनके करियर की। करियर के लिए इनके कौन से क्षेत्र बेहतर हैं जो लोग अक्टूबर में पैदा हुए हैं, कि इनको अगर इस क्षेत्र में जाते हैं तो विशेष और जल्दी और बड़ी सफलता मिलती है। हालांकि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्वभाव के, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे क्षेत्र बताने जा रहे हैं जिसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी और जल्दी सफलता मिलेगी। देखिए, आपके लिए समाज सेवा करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप बहुत मिलनसार लोग हैं। समाज से अगर आप कार्य जुड़े हुए करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलता है। राजनीति एक आपके लिए प्रमुख एक ऐसा प्रोफेशन है। करियर में अगर आप राजनीति में जाएंगे तो भी आपको अच्छा नेम फेम मिलेगा, आपको कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आईटी फील्ड, टेक्नोलॉजी, ये आपके लिए बेस्ट है। आर्ट, एक्टिंग, कल्चर, पीआर, पब्लिक रिलेशन यानी कि एडवर्टाइजिंग, मीडिया, मासकॉम, ये सब प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एमबीए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट आपके लिए बहुत अच्छी साइड रहेगी। बिजनेस अगर आप करते हैं तो भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, और मेडिकल क्षेत्र में भी ऐसे लोगों को बड़ी सफलता मिलती है, खासतौर से जो डेंटिस्ट होते हैं, जो सर्जन होते हैं, वो अक्टूबर माह में जन्मे लोग बहुत देखे गए हैं, अच्छे मेडिकल इस प्रोफेशन में इनको बड़ा नेम फेम मिलता है। तो दर्शकों को बताते हैं कि आपके लिए कौन से दिन भाग्यशाली हैं सप्ताह में, कि इन दिनों में आप ज़रूर इस लाभ उठाएं। आपके लिए मंगलवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, शुक्रवार का दिन विशेष लाभकारी रहता है। शनिवार के दिन थोड़ा सा आपको संभल के काम करना चाहिए, थोड़ा क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, रोग चोट दुर्घटना आपके साथ शनिवार के दिन हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर चलें। लेकिन मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार का दिन विशेष लाभकारी रहेगा आपके लिए। इस दिन अगर आप कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो दर्शकों बताते हैं आपके लिए आने वाले कौन से वर्ष बेहद लाभकारी रहने वाले हैं, जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आने वाले वर्षों में सन 2022, 2027 और 2034, ये कुछ ऐसे वर्ष हैं जो आपके लिए बहुत ही मंगलकारी, परिवर्तनकारी रहेंगे, लाभकारी वर्ष रहेंगे। इन वर्षों में आपको धन लाभ होगा, अगर आप विवाह योग्य हैं तो विवाह होगा, संतान सुख की इस समय प्राप्ति हो सकती है, कोई आपको बहुत अच्छी नौकरी, प्रमोशन मिलेगा, या अगर आप खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यापार शुरुआत करना चाहते हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आने वाले इन वर्षों में करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, 2022, 2027 और 2034, ये कुछ आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली वर्ष हैं। और अब सबसे अंत में आपके लिए भाग्यशाली रत्न, यानी कि जिस रत्न को धारण करने से आपको विशेष लाभ मिलता है। तो दर्शकों, आपके लिए एक फायर ओपल, जो कि बहुत ही आपके लिए लकी स्टोन है, डायमंड पहन सकते हैं आप, फिरोज़ा पहन सकते हैं,
और एक मोती भी धारण किया जा सकता है। ये रत्न अगर आप धारण करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। इनमें से कोई भी रत्न आप धारण कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा अपने प्रोफेशन में, आपके गृहस्थ जीवन में। आपको अगर अधिक क्रोध आ रहा है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा, प्रोफेशन में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, कुल मिला के आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि अक्टूबर माह में जन्मे लोगों का कैसा होता है भाग्य, कैसा उनका स्वभाव रहता है, और कौन से वर्ष और कौन से दिन इनके लिए बड़े भाग्यशाली होते हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जो लोग नवंबर माह में पैदा हुए उनके राशिफल के बारे में या उनके स्वभाव के बारे में। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा दर्शकों, ये हमें बताना ना भूलें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।